ये लोग नारा देते हैं कि देश के गद्दारों को, ये लोग इस तरह का नारा देते हैं। मैं भी एक नारा देना चाहता हूं आरएसएस के लोगों को। मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस के गद्दारों को, आरएसएस के गद्दारों को स्कूल भेजो सारों को। यह आंदोलन एक जाति एक धर्म का नहीं, सभी भारतीयों का यह आंदोलन है। यहाँ पर हिंदू बैठे हैं, सिख बैठे हैं, बौद्ध बैठे हैं और सभी लोग इस देश में बैठे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, देखो ये CAA NRC के लिए हम लोग नेशनल लेवल पर तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस देश की पूरी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था आरएसएस ने अपने काबिज कर ली, अपने हाथों में ले ली। आज कोर्ट अगर कोई एक्शन लेता है, एक रात में उसकी बदली हो जाती है, ट्रांसफर हो रही है, एक रात में ट्रांसफर होती है। पूरा कोर्ट, न्याय व्यवस्था आरएसएस के कब्जे में है, पूरा संसद आरएसएस के कब्जे में है, पूरा मीडिया। आप ये मीडिया नहीं रहा, ये मीडिया में ई जो होता है, एम के बाद ई आता है, वो ई बदल के ओ हो गया है। ये मीडिया नहीं, मोदिया हो गया है, मोदिया। दिन भर मोदी मोदी मोदी, एक ही आदमी इस देश में रहता है। पूरा मीडिया आरएसएस के कब्जे में है, एडमिनिस्ट्रेशन कब्जे में है। और इसलिए आप लोग, हम लोग जब रैली में आ रहे थे तब कुछ लोग नारे दे रहे थे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक मोदी हटाओगे दूसरा बिठा देंगे, दूसरा हटाएंगे तीसरा बिठा देंगे। कब तक ऐसे मोदियों को हटाओगे? अगर हम लोगों को सुख से चैन से इस देश में रहना है तो मोदी हटाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मोदी, अमित शाह, योगी, ऐसे लोग जिस फैक्ट्री से तैयार होते हैं, हमको उस फैक्ट्री को हटाना होगा, उस आरएसएस को हटाना होगा। जब तक ये आरएसएस इस देश से नहीं हटेगी, तब तक इस देश में एनआरसी के बाद, सीए के बाद, एनपीआर के बाद कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। और ये काम हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल माध्यम से कर रहे हैं। अभी मैं दो दिन पहले ही इंडिया में आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में, वहां के पार्लियामेंट को निवेदन देकर आया हूं कि आपके पास से एनआरसी और सीए का विरोध करने का रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए। यूएस में हम लोगों ने आंदोलन किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आंदोलन किया। आज के टाइम्स में पढ़ लो ये खबर, कोई आज तक नहीं बताएगा, कोई जी न्यूज नहीं बताएगा। वो अंजना को अभी कश्यप लगाना छोड़ देना चाहिए, मोदी लगाना चाहिए। ये कोई न्यूज नहीं बताएगा। आज के न्यूज पेपर में यूनाइटेड नेशन ने प्रधानमंत्री को लफड़ा है कि तुम्हारे देश में मुसलमानों के ऊपर ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और तुम लोग हमारे को झूठी जानकारी दे रहे हो। यूनाइटेड नेशंस ने इस देश के मुसलमानों के पक्ष में बाजू रखी। वहां पर हम लोग जाकर यह निवेदन दे रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। सीए एनआरसी छोड़ो, एनपीआर छोड़ो, ये लोग कहते हैं, अभी मोदी जी कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले, सीए लागू होकर रहेगा। मैं भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप नहीं, मोहन भागवत नहीं, गोलवलकर भी ऊपर से नीचे आ गया तो भी इस देश में सीए लागू नहीं होने देंगे, इस देश में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। सीए एनआरसी ये किस तरह से इस देश के सभी लोगों को, और सिर्फ हम लोगों को नहीं, जो आरएसएस में है उन लोगों की भी नागरिकता जाएगी। जो लोग हम लोगों के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, उनको भी देश से निकाला जाए। ये लोग नारा देते हैं कि देश के गद्दारों को, ये लोग इस तरह का नारा देते हैं। मैं भी एक नारा देना चाहता हूं आरएसएस के लोगों को। मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस के गद्दारों को, आरएसएस के गद्दारों को स्कूल भेजो सारों को, स्कूल भेजो इनको। हम लोग नफरत नहीं बांटना चाहते। मैं तो मोदी जी को, आज मेरे पास फूल नहीं है, वरना मैं कैमरा के सामने मोदी जी को फूल देना चाहता हूं। मोदी जी, अमित शाह जी, कपिल मिश्रा जी, ये फूल आपके लिए है।
और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जो रोग आपको लगा है, मुसलमानों के प्रति जो नफरत पैदा हुई है, ये जो मानसिक रोग आप लोगों को लगा है, उस मानसिक बीमारी से जल्दी इस देश का प्रधानमंत्री ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमको कि जिसके पास कागजात नहीं होंगे हम उसको नागरिकता नहीं देंगे, जिसके पास कागज नहीं है हम उसको नागरिक नहीं मानते। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर आप हमको नागरिक नहीं मानते तो हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। ये देश, इस देश की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून है, हमारे लोगों ने इस देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। आरएसएस ने एक नाखून नहीं काटा होगा, इतना सा बलिदान नहीं दिया होगा। आज भी इस देश का मुसलमान चार वक्त की नमाज अगर पढ़ता है तो पहले इस धरती को चूमता है, माथा लगाता है, इतना प्यार इस देश का मुसलमान इस देश की मिट्टी पे करता है। और इसलिए, क्योंकि हमको भी दादी को सुनना है, समय भी कम है, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आज इस देश में जो माहौल है, इस देश में जो माहौल बना पड़ा है, इसमें हम सभी लोगों को एक होकर काम करना है। मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आज मुझे अभिमान होता है कि आज हमारे मुस्लिम महिलाओं के रक्षा के लिए सिख भाई भी आगे आए हैं, और इसी अकाल तख्त से आज हमने मांग की है, और अकाल तख्त ने भी हम लोगों की इस मांग को स्वीकार किया है, और अकाल तख्त ने ये जारी किया है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, ये अकाल तख्त ने भी मांग की है।